हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी अंडा करी, जो कि मेरे तरीके से बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है और इसकी रेसिपी भी बहुत आसान है बनाने में। घर के ही चीज़ों से, मसालों से बनती है, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये अंडा करी। देख सकते हो बहुत ही टेस्टी बनी है। चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 8 अंडे उबाल लिए हैं, प्याज लिया है, टमाटर लिया है, प्याज टमाटर को काट लिया है, छोटी आधी कटोरी लिया है सूखा नारियल, अदरक और लहसुन लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, बॉइल्ड अंडे को उसका छिलका निकाल कर इस तरह से बीच में से कट लगाना है। ये देखिए, इस तरह से फोक से या फिर चाकू से आप इसे कट लगा सकते हो। चलिए, सारे अंडों को हमने कट लगा दिया है। गैस ऑन करके रखा है तवा। गरम होने के बाद बारीक काटा हुआ प्याज डाला है। एक चम्मच डालना है तेल। तेल डालकर हम इसे हल्का ब्राउन कलर आने तक भून लेना है। छोटे साइज के 5 प्याज लिया है यहाँ पर। देख सकते हो अब हल्का ब्राउन कलर आ चुका है। प्याज को निकाल दिया है, उसी तवे पर डाला है सूखा नारियल। नारियल को भी एकदम बारीक काट लिया है। एक छोटी आधी कटोरी नारियल लिया है यहाँ पर। आधा चम्मच डाला है तेल। ब्राउन कलर आ चुका है, नारियल को भी निकाल दिया है। कढ़ाई गैस पर रखकर गैस ऑन करके 2 चम्मच डाला है तेल। एक एक करके अंडे डालकर हम अंडों को फ्राई कर लेते हैं। चम्मच से चलाते हुए अंडों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। एक चुटकी डाला है हल्दी और एक चुटकी यहाँ पर डालना है लाल मिर्च की पाउडर, और धीमी आंच पर इसे 5 मिनट के लिए अंडों को फ्राई कर लेना है। हल्की कोटिंग आनी चाहिए। ये देख सकते हो 5 मिनट हो चुके हैं, अंडे फ्राई हो चुके हैं। अंडों को निकाल देते हैं। देख सकते हो आप, कोटिंग आ चुकी है अंडों के ऊपर। सारे अंडों को निकाल दिया है एक प्लेट में। यहाँ पर लिया है ग्राइंडिंग जार। सारे मसाले हम पीसने वाले हैं। भुना हुआ प्याज डाल देते हैं और भुना हुआ सूखा नारियल। यहाँ पर अदरक लहसुन लिया है, 4-5 टमाटर, जितने प्याज लिए थे हमने छोटे साइज़ के 4-5, उतना ही 4-5 टमाटर यहाँ पर डाला है काट कर, थोड़ा सा हरा धनिया और नमक डालना है, 1.5 चम्मच नमक डाला है। अब इसे अच्छी तरह से पीस लेना है। 1-2 चम्मच पानी डालकर एकदम फाइन पेस्ट बनानी है। उसी कढ़ाई का यूज़ किया है मैंने। गैस ऑन करके कढ़ाई रखकर 1.5 चम्मच डाला है तेल। तेल हल्का गर्म हो जाने के बाद 1.5 चम्मच डाला है तीखा मसाला, 2 चम्मच एग करी मसाला और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है। और धीमी आंच पर ही सारे मसालों को अच्छे से मिक्स किया है। अभी हमने जो पेस्ट पीस ली उसे डाला है।
पीसी हुई पेस्ट डालने के बाद अच्छी तरह से मिलाना है। सारे मसाले अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। अब इस पेस्ट को और इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। चलिए इसे ढक देते हैं और ढककर इसे पकाना है। ये देख सकते हो आप, इसकी छींटे उड़ सकती हैं, इसलिए ढकना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक बार लीड को हटा देते हैं और मसालों को फिर से एक बार चम्मच से चलाना है। फिर से एक बार चलाते हुए मसाले मिक्स कर देते हैं। चलिए मिक्स कर लिया। अभी इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकाना है। देख सकते हो आप, 10 मिनट हो चुके हैं, मसालों को पका लिया है अच्छे से। और यहाँ पर उबाला हुआ पानी डालना है, गर्म पानी ही का यूज़ करें। करी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पर बना सकते हो, पतली चाहिए तो पतली या गाढ़ी। ये देखिए, अब इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। उबाल आ जाने के बाद करी को एक चम्मच डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे। उबाल आ चुका है। उबाल आने के बाद एक एक करके फ्राई किए हुए अंडों को डाल देना है। ये देखिए, सारे अंडे हमने डाल दिए। अंडे डालने के बाद 7 मिनट तक अंडा करी को पकाना है और फिर लास्ट में हरा धनिया डालेंगे। ये देख सकते हो आप, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी अंडा करी बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। बहुत ही टेस्टी बनती है, ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।